डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर, और क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। अगर आपको टेंस आता है तो आप करेक्ट फॉर्म में वो आराम से भर सकते हैं, यानी बोर्ड में आपके कुछ सेंटेंस आते हैं जिनमें आपको करेक्ट फॉर्म भरना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको टेंस नहीं आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंस का बिना पूरा ज्ञान हुए परीक्षा में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के क्या रूल हो सकते हैं, यानी इसमें कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से बोर्ड परीक्षा में जो सेंटेंस आते हैं उनमें आप करेक्ट फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो पहला टेंस आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहला रूल आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला रूल क्या है। पहला रूल आपके मॉडल, अब ये जो मॉडल दे रखे हैं मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माई, माइट, लेट, बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अगर ये जो वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो आपको ओनली क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, आई एम राइटिंग फॉर राजू, ही शुड, उसके बाद में खाली स्थान दिया गया है और ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, कम दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है ये आपको वर्ब है, आपको वर्ब के रूप में दिया गया है, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी क्या आएगा, कम आएगा, ओके। उसके बाद में सेकंड है आपके, उसके बाद में तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस प्रकार से सेंटेंस दिए गए हैं तो आप इनको आराम से भर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा रूल आपको क्या तैयार करना है, यानी कुछ इंडिकेटर वर्ड हैं, कुछ पहचान शब्द हैं, बस आपको ये तैयार करने हैं, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली आदि। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में हो तो वे प्रेजेंट टेंस के सूचक माने जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है आपको सी ऑलवेज, तो इसमें क्या दिया गया है, ऑलवेज दिया गया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सूचक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑलवेज, ओके। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, तो इसमें क्या लगाना है आपको, एस या एस लगाना है, रिमेंबर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। दूसरा है माई फादर ऑलवेज, माई फादर ऑलवेज, तो इसमें भी क्या है, इंडिकेटर वर्ड यानी जो पहचान शब्द है वो ऑलवेज है, और ऑलवेज मैंने बताया है आपको, ओके। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आपको ब्रैकेट में मिलेगी, कोष्टक में मिलेगी, तो कोष्टक में जो वर्ब दी गई है उसमें आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, तो यहाँ टेक्स हो गया, ओके। उसके बाद में देखिए अगला जो रूल है वो क्या है, तो ये भी आपके 3, 4, 5, 6 ये सेंटेंस भी आपके उसी के रिगार्डिंग है, तो उसी की तरह से आपको ये बनाना है। उसके बाद में तीसरा रूल है आपके पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, यानी पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस में आपको भूतकाल की कोई भी घटना दी गई है, जैसे एगो है, यस्टरडे है, लास्ट के साथ कोई भी वर्ड आ सकता है, जैसे लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, अगर ये शब्द हैं तो वो पास्ट टेंस के सूचक माने जाएंगे। यदि वाक्य में ये शब्द हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। तो जो पहला सेंटेंस दिया गया है मोहन, उसके बाद में खाली स्थान दिया गया है, कम आपके पास वर्ब है, और टू सी मी लास्ट वीक, तो लास्ट वीक यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यानी पास्ट सिंपल टेंस का पहचान शब्द है, क्या है, पहचान शब्द है, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, क्या होगी, केम, आप देख सकते हैं। दूसरा आपके यस्टरडे है, तो यस्टरडे मैंने आपको बता दिया है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का क्या है, पहचान शब्द है, पहचान शब्द है, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी,
हेड होती है, क्या होती है हेड, तो इसमें हेड आएगा। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस तीन है, चार है, पांच है, ये इसी के रिगार्डिंग आपको मेक करने हैं, बनाने हैं। उसके बाद में रूल नंबर फोर है आपके, रूल नंबर चार आपको क्या ध्यान रखना है, देख ली, यदि कोई कार्य अथवा क्रिया पास्ट यानी भूतकाल में चल रही हो तो उसी समय कार्य अथवा क्रिया हुई हो तो वह भी पास्ट टेंस में ही होगी। जैसे वाइल यानी व्हेन वाइल, जैसे वाइल दिया गया है आई वाज बाथिंग, आई हियर ए लाउड नॉइस, क्या दिया गया है इसमें, वॉल दिया गया है, क्या दिया गया है वॉल, ओके। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आपको दिया गया है सीता, और ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर वेंट जो वर्ड है ये किसको दर्शा रहा है, किसको इंडिकेटर कर रहा है, पास्ट सिंपल टेंस को, किसको कर रहा है, पास्ट सिंपल टेंस को, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कुक की सेकंड फॉर्म आपको लिखना है, तो क्या आएगा, कुक्ड। उसके बाद में अगला रूल है रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस रूल से आपके एक सेंटेंस है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो रूल नंबर फाइव है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। यदि वाक्य में वेन हो और सेकंड जो वाक्य है उसमें वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य के रिक्त स्थान में प्राय वाज या वर प्लस वर्ब में आई एन जी आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस आई रीड ए नोवल वेन ही केम इन, इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, यानी रीडिंग, सॉरी वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज, आई के साथ वॉज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आई एन जी। उसके बाद में दूसरा है माई डॉग वेट फॉर मी वेन आई रिटर्न होम, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वेन के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वेन से पहले यानी जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें वॉज या वर, तो देखिए माई डॉग एकवचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आई एन जी आएगा। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं आराम से। उसके बाद में परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, रूल नंबर छः, यदि वाक्य में जस्ट, येट अथवा अप टू नाउ हो तो इन शब्दों के साथ हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हेड नहीं आएगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वाक्य में ऑलरेडी हो तो आवश्यकता अनुसार हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है। जैसे आपको सेंटेंस दिया गया है द डॉक्टर इज नॉट एट होम ही खालिस्तान गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, जस्ट नाउ का, तो ही के साथ हैज लगाना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। और इस प्रकार आप जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं दो और तीन इसके रिगार्डिंग आप बना सकते हैं। उसके बाद में है पास्ट परफेक्ट टेंस, वाक्यों के बीच में बिफोर होने पर और वाक्यों के बीच में पहले आफ्टर होने पर, तो इसमें भी आपके दो रूल हैं, रूल नंबर सात हैं और साथ में भी ए है और रूल नंबर आठ हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यदि वाक्य में बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, यानी द गेस्ट हैड गॉन बिफोर, और यानी बिफोर से पहले क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी रिच्ड, रिच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिच्ड होती है। और इस रूल को भी आप पढ़ सकते हैं, यदि वाक्य में बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी बिफोर के बाद, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी केम, तो बिफोर के पहले वाक्यांश में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें लिखा हुआ है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड और कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड। तो इनके रिगार्डिंग आप इन सेंटेंस को भी मेड कर सकते हैं, बना सकते हैं। रूल नंबर आठ आपको दिया गया है, यदि वाक्य में बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरे शब्दों में यदि बिफोर के एक और प्रेजेंट टेंस हो तो बिफोर के दूसरी ओर भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। और वाक्यों के बीच में आफ्टर होने पर, अगर वाक्यों के बीच में आफ्टर है तो आपको क्या करना है, आफ्टर से पहले देखना है,
आफ्टर से पहले देखना है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इसमें क्या आएगा, खालिस्तान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर आफ्टर पहले है तो आपको पूरे रिक्त स्थान में देखना होगा कि सेकंड फॉर्म है या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी से है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करना है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से ही है, ऑलरेडी से है, तो आपको क्या करना है, उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है। अगर पहले से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इस प्रकार से आपको इनको बनाना है। उसके बाद में है आपके फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में भी आपके कुछ रूल दे रखे हैं, ये रूल नंबर 10 है, यानी वाक्यों में भविष्य में होने वाले कार्य की साधारण जानकारी दी है तो आप विल और शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये आपको रूल के रिगार्डिंग बनाने हैं, और ये आपके रूल नंबर 11 है, रूल नंबर 12 है, रूल नंबर 13 है, उसके बाद में रूल नंबर 14 है। अगर आप इन 14 रूल को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको करेक्ट फॉर्म आप आराम से बोर्ड एग्जाम में भर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सभी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, सभी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, और उसके बाद में जो पहचान शब्द हैं, जो इंडिकेटर वर्ड हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कौन से में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ है जाएगा, किसके साथ हैव आएगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अगर आपको इनमें भी डाउट है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, आपको बस कमेंट करना है और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि सर मुझे जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बारे में नहीं पता है, तो इनके बारे में भी आप एक छोटा वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।